मनोज कुमार ने फिल्म बनाने के लिए बेच दी जमीन और बंगला। 400 दिन तक थिएटर में चली मूवी कमाई में शोले को भी पछाड़ दिया था। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल राज का अंदाज में। हिंदी सिनेमा के इतिहास में डायरेक्टर मनोज कुमार ने ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई जिसने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया और इसके लिए उन्हें अपना बंगला बेचना पड़ा था। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं पूरा किस्सा क्या था। हिंदी सिनेमा के सबसे शानदार एक्टर में से एक होने के अलावा मनोज कुमार सबसे सफल डायरेक्टरों में से एक थे। उन्होंने उपकार, पूरब और पश्चिम और रोटी कपड़ा और मकान जैसी सफल फिल्में बनाई। उनकी एक ऐसी फिल्म के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और इसके लिए डायरेक्टर को अपना बंगला बेचना पड़ गया था। जी हाँ दोस्तों, मनोज कुमार की सबसे बड़ी पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म क्रांति थी जो 1981 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय हिंदी फिल्म बन गई थी। इसके एक्टर्स में खुद मनोज कुमार, दिलीप कुमार, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी और परवीन बॉबी के अलावा इस फिल्म में बहुत से एक्टरों ने अपना योगदान दिया था। 19वीं शताब्दी पर बेस्ट क्रांति उस समय बनी सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक थी। इसका बजट करीब 3 करोड़ रुपए आंका गया था। जैसे ही शूटिंग शुरू हुई मेकर्स इस फिल्म से पीछे हट गए और पैसे देने की जिम्मेदारी खुद मनोज कुमार पर डाल दी थी। जी हां दोस्तों, हालांकि मनोज कुमार ने फिल्म बनाने के लिए दिल्ली में अपना बंगला और मुंबई में अपनी जमीन बेच दी, लेकिन जब क्रांति को 180 दिनों तक रोकने के बाद आखिरकार फिल्म कर दी गई रिलीज तो मनोज कुमार के सभी प्रयास समर्थक साबित हुए थे। पीरियड एक्शन ड्रामा ब्लॉकबस्टर बन गई और सिनेमाघरों में 400 दिनों से अधिक चलने वाली, इनमें से 26 केंद्रों पर सिल्वर जुगली और कई जगहों पर गोल्डन जुगली पूरी की थी। तो जी हां दोस्तों, मनोज कुमार की ये फिल्म की स्टोरी यानी कि बॉलीवुड से जुड़ी ये स्टोरी आप लोगों को कैसे लगी? इस फिल्म में बेहतरीन काम किया था सारे एक्टर्स, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, मनोज कुमार, परवीन बॉबी, प्रेम चोपड़ा जैसे स्टारों ने इस फिल्म में अपनी अदाकारी दिखाई थी और इस फिल्म ने हजारों लोगों का दिल जीत लिया था। तो कैसी लगी आपको ये बॉलीवुड स्टोरी? अगर पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक व शेयर करने में मिलूंगा आप लोगों को बॉलीवुड की दूसरी स्टोरी लेके इसी चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।